नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आर एस एम एस ग्राम सेवक भर्ती 2022 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है आज जैसा कि आप सबको पता होगा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है जी हाँ दोस्तों पहले आपकी चार मई को सुनवाई होनी थी लेकिन आज दोस्तों आपकी ग्यारह मई की डेट दी गई थी तो क्या आज अपडेट निकल के आएगी दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से पूरी जानकारी इस वीडियो में शेयर करूँगा तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना जो रेट ही आज का लगाई गई हैं दोस्तों दो रेठियाँ आज का लगी गई हैं जिसमें कि कट ऑफ के हिसाब से रिजल्ट निकालने के आदेश दिए जाएँ और एस सी एस टी एम बी सी ओ बी सी टी एस पी विधवा डिवोर्स और एक सर्विसमैन की कट ऑफ के आधार पर सिलेक्शन किया जाए प्री में पास किया जाए इसको लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है दोस्तों आर एस एम एस एस पी ग्राम सेवा जो भर्ती है उसका रिजल्ट आने के बाद लगातार स्टूडेंट इस इसको लेकर मांग उठा रहे थे और आज दोस्तों फाइनली आप सबके लिए हो सकता है अंतिम फैसला आ जाए जी हाँ दोस्तों अंतिम फैसला आ सकता है जो कट ऑफ निकाली गई थी हरिप्रसाद शर्मा बोर्ड अध्यक्ष चेयरमैन है उन्होंने हालांकि जांच कमेटी का गठन कर लिया है और रिपोर्ट भी जल्द ही दोस्तों जांच कमेटी जो है बोर्ड को सौंप देगी जिसमें कि दोस्तों जनरल से लेकर एस टी कैटेगरी जो पचास परसेंट क्राइटेरिया के, के आधार पर छात्रों को पास किया गया है उसको यहाँ पर रिजल्ट को रद्द करके द्वारा से संशोधित या रिवायर्ड रिजल्ट है वो निकाला जाए रिवायर्ड रिज़ल्ट के दोस्तों आज आदेश हैं वो बोर्ड की तरफ से दिए जा सकते हैं कट ऑफ के हिसाब से रिजल्ट के जी हाँ दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन दोपहर ग्यारह बजे के बाद इसकी सुनवाई होनी है कोर्ट केस नंबर मैं आपको इसमें बता दूंगा दोस्तों ये आप देख सकते हैं सीताराम सन ऑफ श्री गणेश बैरवा के द्वारा ये पटीशन लगाई गई थी और इसके जो एडवोकेट हैं बाबूलाल बैरवा के द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी और ये जो पटीशन लगाई गई थी दोस्तों याचिका लगाई गई थी वो आपकी अट्ठाईस चार दो हज़ार बाईस को लगाई गई थी छब्बीस तारीख को फॉर्म भरा गया था जिसकी सिंगल बैच में आज सुनवाई होगी दोस्तों सुनवाई में आप सबके लिए जो है अपडेट आएगी पहले आपकी चार डेट दी गई थी चार मई इसके बाद डेट दोस्तों आपकी ग्यारह मई हो गई जिसमें कि आज सुनवाई होनी है आपको बता दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट की मेरे पास कमेंट आ हैं कि सर ग्राम विकास अधिकारी का, का संशोधित रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी करवाएं तो आपको बता दें दोस्तों संशोधित रिजल्ट हंड्रेड परसेंट आएगा क्योंकि रेटी आजकल लगाई गई है उसके हिसाब से बोर्ड ने जांच कमेटी का गठन किया है जिसमें कि जो पचास की कट ऑफ रखी गई है उसको किस आधार पर रखा गया है और जो एक लाख पचहत्तर छात्रों को पास किया गया है इसमें से कैटेगरी वाइज कितने छात्र पास हुए हैं जी हाँ दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि एक लाख से ऊपर छात्र ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसीलिए बाकी की जो कैटेगरी हैं सभी स्टूडेंट मांग कर रहे थे कि द्वारा से इसका कट ऑफ के हिसाब से ही रिजल्ट निकाला जाए जैसा कि आप कट ऑफ देख पा रहे हो गए में जो प्री की कट ऑफ के हिसाब से ही रिजल्ट निकाला गया था पंद्रह गुना के हिसाब से यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया था कि पंद्रह गुना में सभी कैटेगरी की कट ऑफ निकाली जाए इसी प्रकार से इस वर्ष भी इसी की मांग की जा रही है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है मेन्स पेपर में ताकि बैठ पाए मैं आपको बता दूँ दोस्तों मेन्स पेपर का आयोजन नौ जुलाई को आयोजित होना है इसकी आपको दोस्तों रिजल्ट आपकी जगह इसका सिलेबस भी आपका जारी कर दिया गया जो आप ऑफिशियली वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं हालांकि उसमें अभी तीन सब्जेक्ट को उठाया गया है जैसे कि आपका कंप्यूटर रीजनिंग और पॉलिटिकल तो आप कंटिन्यूस मेन्स की भी तैयारी करते रहे लेकिन दोस्तों जैसे ही आज अपडेट आएगी आर एस एम एस एस पी ग्राम सेवा भर्ती के रिजल्ट को लेकर मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूँगा जय हिंद बंद मातरम